इन्फोटेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियो मेरी मिलती रहे। जी तो व्यूअर, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आज आपको जो YouTube पे काम करते हैं ये उनके लिए है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल और लोगोज और भी जो पोस्ट वगैरह बनती हैं वो सारी एक बेहतरीन ऐप है, इसके अंदर बनती हैं। तो इसमें आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो आइए ना तीन अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सो द प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, लोगो मेकर आप सर्च करें या लोगो प्लस के नाम से भी है। ये देखें लोगो मेकर प्लस, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो उसको ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरह इसको डाउनलोड कर लें। तो इसको ओपन कर दिया तो सबसे पहले ये आपको शो होगा क्रिएट न्यू। तो आपने अभी न्यू बनाना है तो आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है ताकि आप जो भी नया लोगो बनाना चाहें जो भी बनाते हैं, इस तरह की विंडो आपको शो होगी जिसमें देखें लोगो फेसबुक कवर हो गया या ट्विटर कवर या थंबनेल या यूट्यूब का जो लोगो है वो बनाना चाहिए। काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शन हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये देखें अभी इसमें से मैं यूँ थंबनेल सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारे टेम्पलेट भी आ गए हैं इसके अंदर, आप इनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं या ब्लैंक लेना चाहते हैं तो ब्लैंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये देखें काफ़ी सारे इसके अंदर टेम्पलेट पड़े हैं ट्विटर के अंदर। तो ये देखें पोस्टर के अंदर भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ये सब जितने भी आपको नज़र आए सब में पड़े हुए हैं। तो हम थंबनेल कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले ताकि हम लोगों को समझ भी आ जाएगी कि ये इसमें कैसे बन जाएगा। ये देखिए मैंने प्लान सेट कर दिया, जैसे सबसे पहले इसको समझना है कि ये इसमें काम कैसे करना है। ये देखें इसके अंदर ये दो तीन ऑप्शन है, सबसे पहले लोगों का है, फिर टेक्स्ट का है, फिर पिक्चर का है थर्ड वाला। ये देखें क्रॉप करके भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली पिक्चर लगानी है वो भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये इसमें चेंज हो सकता है। ये देखें जो भी आप कलर इसमें नीचे पैटर्न भी दिए हुए हैं, पैटर्न में से भी आप ले सकते हैं बैकग्राउंड कलर या कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप सेव कर सकते हैं इसको जेपीईजी मोड में, पीएनजी फाइल में और भी कर सकते हैं। अब जब सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्रिएट न्यू ड्राफ्ट सेव करना, तो उसको सेव कर लें, ये सेव हो जाएगा। क्लियर करना है क्लियर कर लें, क्लियर हो जाएगा। ये सारा कुछ आपने जो भी इसमें बनाया हुआ है ये देखें, अब एक्टिव स्नैप इसमें जो है ना वो देखें, ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये लाइन्स में शो हो गया है। ठीक है, इसको शेयर करना चाहते हैं अगर आपने ये बना लिया तो कहीं शेयर करना चाहते हैं तो उसको सेव करके कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। ये देखें शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे किस मूड में करना, जेपैक या बीएनजी मूड में, ये देखें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम किसके ऊपर भी करना चाहते हैं सब पे ये शेयर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ये साइज़ के ऊपर। जो आपने साइज़ अगर आपने चेंज करना है, आप थंबनेल का किया हुआ तो ये थंबनेल का साइज़ आपको शो करे। अगर आप कोई डिफरेंट बनाना चाहते हैं कि नहीं मैं कोई साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अब हाउ टू वीडियो जो है वो आप इसकी वीडियो में चले जाएंगे कैसे, तो स्टोर में जाते हैं। तो स्टोर में देखें मैंने एक तो परचेज़ किया हुआ पैकेज प्रीमियम लोगों का, एक्सक्लूसिव लोगो जो है वो अभी तो मैंने परचेज नहीं किया। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँगी इसको कैसे आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक किया है तो जी पे के थ्रू पे आप इसको पे कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। 420 रुपए का है ये, इससे कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है। आपने 420 रुपए अगर आपके मोबाइल में है तो ये आप आराम से इजीली, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं 550 रुपए की है, वो भी आप जी पे के थ्रू अपना नंबर कनेक्ट करें तो हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखें अगर आप लॉगिन नहीं है तो उसके ऊपर लॉगिन भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मैंने तो अभी तक लॉगिन नहीं किया ना इस पर कोई अकाउंट बना हुआ है मेरा, तो अगर आप बना चाहते हैं बना सकते हैं। टर्म्स जो हैं इसकी आप पढ़ लें, जो भी इसकी टर्म ऑफ यूसेज हैं वो इसमें अवेलेबल है। उसके बाद कॉन्टैक्ट जो है इसकी वेबसाइट पर चला जाएगा। तीसरा जो है वो एग्ज़िट, अगर आपने काम कर लिया बंद करना चाहते हैं तो एग्ज़िट कर दें। तो ये अनडू रीडू और उसकी अगर इसमें तो ये है नहीं तो उसकी यही ऑप्शन आया। उसके बाद
ये जो है जूम के लिए है, आप जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, जो भी इसमें आप करना चाहते हैं इसमें से आपको अवेलेबल है। उसके बाद जो है ये लेयर का ऑप्शन लगेगा, क्योंकि अभी हमने कोई एडिटिंग की नहीं है तो कोई लेयर अब ले हम कोई ले लेते हैं यहाँ से लोगो। एक ये हमने ले लिया, एक लेयर ये बन गई है देखें। अब एक और ले लेते हैं इसमें से कोई भी, हम डिज़ाइन इसमें से चूज़ कर लेते हैं लोग, जैसे कोल लिया दो तो आप देख रहे हैं ये दूसरी लेयर भी बन गई है। तो इस तरह आप जो भी काम करेंगे वो इधर लेयर्स में आपको शो होगा। आप उसके साथ जैसे भी आप काम करें तो मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर आप ये देखें, ये सब इस सब्जेक्ट के जो है ऑप्शन है, डुप्लीकेट लेना चाहते हैं इसी का डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा, और बाकी भी नीचे इसके ऑप्शन थे जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आसानी से। तो अभी आपको ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो ये फ्लिप प्रैक्टिकल फ्लिप हॉरिजॉन्टल लॉक करना चाहते हैं इसको लॉक कर सकते हैं, सेंड टू बैक यानी पिक्चर के बैक पे इसको सेंड करना चाहते हैं, और भी बेशुमार ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो अभी हम अब ये टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसको टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम भी देखें, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब जिस तरह का भी आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं, सोशल मीडिया के भी इसके ऊपर पड़े हैं, अगर आप सोशल मीडिया का कोई भी इसमें यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें जाते हैं, ये देखें सेकंड एक्सक्लूसिव में जो है वो भी काफ़ी सारे पड़े, लेकिन ये परचेज़ मैंने नहीं की है क्योंकि ये अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया, तो ये अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने प्रीमियम का पैकेज एक्टिवेट किया हुआ है जो लाइफ टाइम पैकेज है, यानी इसमें आपको दोबारा पैसे नहीं देने पड़ते। ये प्रीमियम में अभी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर भी काफ़ी सारे लोगों हर तरह के आपको डिज़ाइन जो है वो मिल जाएंगे जिस तरह का आपको चाहिए। ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, अलग अलग हर कैटेगरीज को जो है वो उन्होंने अलग अलग किया हुआ है, जिस कैटेगरी की आपको चाहिए उसमें आपको मिल सकते हैं इजीली जो है वो अवेलेबल हैं। थर्ड जो है वो गोल्डन स्पेशल लोगोज़ हैं, ये जो है हर लोगो इसमें जो है ना वो अलग परचेज है, यानी आप जो भी डिज़ाइन आप इसमें सेलेक्ट करेंगे वो आपको अलग परचेज़ करना पड़ेगा, उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह ये है आप परचेज़ पर अगर क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ परचेज़ पर क्लिक करके इसकी कितनी प्राइस है। ये देखें ये 590 रुपये का है और वो सिर्फ जीपे के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ एक डिज़ाइन का। और ये फ्री गिफ्ट भी पड़े हैं इसके अंदर, भी काफ़ी सारे गिफ्ट हैं, डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपको कैटेगरी में जो है वो दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी कैटेगरी है, तो आप इजीली इसमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ करके जिस जो आपको जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप इसे सेलेक्ट करके आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन इसमें सेलेक्ट करके आप उसको एडिटिंग करके बना सकते हैं। तो अब हम बैकग्राउंड पे जाते हैं, हम कोई भी इसमें बैकग्राउंड जो है वो सेलेक्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर जो है हम टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकें। अभी देखते हैं ये हम काफ़ी सारे इसमें डिज़ाइन पड़े हैं, तो मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन इसमें से चूज़ करता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। तो आपने सब शुरू में जो है वो सैंपल देखे थे बैकग्राउंड वगैरह के, तो ये मैंने एक सिंपल जो है वो सेलेक्ट किया। ये देखें ये हर तरफ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी सारे थंबनेल के अंदर ऊपर स्लाइड सी बनी होती है, बैकग्राउंड उसका चेंज होता है, उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखा होता है, तो उस तरह से ही सिलेक्ट करके ही बनाए जाते हैं। ये देखें मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब ये बैकग्राउंड जो है बेसिकली एक बैकग्राउंड के लिए मैंने यूज़ करना है। तो अब इसके ऊपर आप जौन सा मर्ज़ी आप इसके ऊपर टेक्स्ट लगा दें जो आपको चाहिए हो, जो आप अक्सर थंबनेल में ऊपर हेडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं या कुछ लोग नहीं यूज़ करते, ये उसके लिए है। ये देखें मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर मैंने गुड न्यूज़ लिखा है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये कलर दोनों का मैच कर रहा है तो इस वजह से इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। लेकिन सबसे पहले देखें इसका साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर बोल्ड है इसको जो भी आपने देना है यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो ये देखें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट इसमें से सिलेक्ट करके अपने जो अपना टेक्स्ट है आप उसको जैसे भी बनाना चाहते हैं इनमें से फ़ॉन्ट्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने एक सेलेक्ट किया है तो आपके जो है टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया है। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट प्लस का जो ऑप्शन है उसमें देखें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं। ये आप कैसे आए हैं ये मैंने डाउनलोड किए हैं, आप लोग भी इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें आपका देखें काफ़ी सारे इसमें
हर तरह की लैंग्वेज में जो फ़ॉन्ट यूज़ इस्तेमाल होते हैं वो सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये जो उनसे भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये थर्ड वाला जो है वो ये मैंने एक सेलेक्ट किया है। अब इससे नेक्स्ट जो है ये देखें, आप इसमें टेक्स्ट को जो है बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। नीचे से हैं जो है वो स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के बीच में तो उस वो कर सकते हैं। ये जो है आप किसी डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोगों के लिए। उससे नीचे वाला जो है ये वो भी आप इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए, कोई आप लोगो बना रहे हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आएंगे, सॉलिड में देखें, आप कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप अगर डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, या नीचे से देखें काफ़ी सारे पैटर्न भी पड़े हैं, आप पैटर्न में से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। आप बहुत ज़बरदस्त ये ऐप है डिज़ाइनिंग के लिए। तो आप देखें इसमें काफ़ी ज़बरदस्त ये पैटर्न काफ़ी अच्छे पड़े हैं। आप कोई भी पैटर्न इसमें सेलेक्ट करते हैं और इसमें ये देखें आप इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। नेक्स्ट में जो है आप देखें इसको 3D अगर इफेक्ट देना चाहते हैं, 3D इफेक्ट जो ऑन होने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा एक पैकेज जिसकी वजह से ये ऑन होगा। ये देखिए अब ये आप 3D पैकेज जो है वो मैंने 3D को ऑन कर दिया। तो अब देखें अब इसको स्लाइड करता हूँ, ये 3D पैकेज शो 3D जो है वो टेक्स्ट नहीं शो कर रहा है। अब मैंने ऑन किया तो ये देखें ये 3D इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये मैंने पैकेज लिया इस वजह से 3D जो है वो ऑन हुआ है इसका, वरना आपको ये फ्री में नहीं मिलेगा। आपको ये कोई ना कोई पैकेज जो है इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देखें सेकेंड, इस काफ़ी सारे इसके ऑप्शन हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें ये जूम इट का भी है, जूम इट का ऑप्शन भी है नीचे। उसके नीचे जो है आप टेक्स्ट को अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, यानी कलर आपका बहुत ज़्यादा डार्क है। आप उसको अगर बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना चाहते हैं या किसी वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं यहाँ से। तो अब नेक्स्ट जो है इसका ये देखें, आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं जिस तरह भी आप उर्दू में आपने देखा होगा, इंग्लिश में देखा होगा, थोड़े से अल्फाज टेढ़े लिखे होते हैं, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब इस कलर को जो है वो आपने अगर शेड देने हैं तो आप यहाँ से देते हैं मोटिफ, जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है ये देखें नीचे वो हर तरह का कलर आपको अवेलेबल है। आप उसमें से आप डार्क करना चाहते हैं या लाइट करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद। ये देखें ये ज़रा लाइट हो गया है और ये डार्क हो गया है, तो आप इसमें आराम से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो सा भी आपको पसंद है कलर, या कौन सा डिज़ाइन तो आपने सेलेक्ट किया हुआ, आपने तो उसमें यहाँ से कलर एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके बाद आपने ये देखे कलर कोड भी इसमें लिखा हुआ है। तो इससे नेक्स्ट जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्लस के निशान से भी आप इसको कर सकते हैं, ये इसके अगर आप इसको वाटर लुक देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं टेक्स्ट को, उसमें आपको ये देखिए हल्का सा मॉइस्चर सा लुक आपको लगेगा। उससे नीचे जो है एक्स एक्सिस इसका बढ़ेगा और वाई एक्सिस जो है इसका बढ़ेगा। तो नीचे से भी आप कलर इसका एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपने वाटर मार्क दिया है वो नीचे देखें ये कलर मौजूद है वहाँ से आप कर सकते। उसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो है पिक्चर ऐड करने का। आप इसको कोई भी पिक्चर इसमें से क्रॉप करके लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, या आप कोई डायरेक्ट पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते, दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तीसरा जो है उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कलर रखना चाहते हैं या कोई पैटर्न रखना चाहते हैं या कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, वो तीनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा आप लगाना चाहते हैं। ये देखिए पैटर्न भी काफ़ी सारे इसके अंदर पड़े हैं, वही पैटर्न हैं जो पीछे भी आपको शो हुए होंगे, तो आप कोई भी पैटर्न इसमें लगा सकते हैं आसानी से, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें काम करने का। तो इसमें आप बैकग्राउंड में पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप ये सारे पैटर्न देख लें कि ये बाकी पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये देखिए मैंने प्लस पर निशान क्लिक, प्लस निशान पर क्लिक किया है तो आपको पिक्चर आप जो भी लगाना चाहते हैं, अगर मैं गैलरी से लेना चाहते हैं अपनी गैलरी से ले सकते हैं, या जो इसके अंदर पहले से पड़े हैं वो उनमें से कोई लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं उनमें से ही लेता हूँ। देखिए काफ़ी सारी पिक्चर्स पड़ी हैं, आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके, मैंने एक ये सेलेक्ट की है तो कोई भी सेलेक्ट करके आप इसमें लगा सकते हैं आसानी से। तो ये अभी इसमें ऐड हो जाएगी पिक्चर। तो ये देखें अब इसका साइज़ जो है वो फिक्स है, आपने जो सा साइज़ आपने सेलेक्ट करना है वो कर लें,
जो आपको चाहिए वो जितना, तो मैंने इसका जो जितना अवेलेबल है साइज़ है वो मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया है। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी, ये देखिए ये पिक्चर ऐड हो गई है। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप इसका कलर दोबारा से चेंज करके आप हटा सकते हैं। तो ये देखें चेंज हो गए हैं। अब दोबारा अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं उसी प्लस पे क्लिक करें, आप कोई जो भी जो सी भी पिक्चर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने कोई पिक्चर इसमें सेलेक्ट की है, तो ये देखें इसका उतना ही साइज़ आप, मैं तो उतना ही साइज़ रखूँगा उसको सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने उतना ही साइज़ रखे सेलेक्ट कर लिया है। ये देखें सेलेक्ट कर लिया है, तो ऊपर देखें बैकग्राउंड वही शो हो रहा है जो हमने सेलेक्ट किया था टेक्स्ट के लिए, तो ये टेक्स्ट मैंने ऊपर लगा दिया दोबारा। तो यही बताना था आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसको सेव करने के लिए जो है आपको जो मैं बताता हूँ अभी आप, ये एंड में जो ऑप्शन था जी मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को, तो ये डिस्क का निशान है, यहाँ से आप जी पैक या PNG मोड में आप इसको सेव कर सकते हैं। आपका काम ख़त्म होगा तो आप इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो में जो है यही बताना था आप लोगों को कि इस ऐप्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूवर ने अभी मुझे ज्वाइन किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।